हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव का, जो है किस प्रकार से आपको रिजल्ट को चेक करना है। लाइव काउंटिंग रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं अलग अलग फेज वाइज, जैसे कि कहीं कहीं अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, कहीं कहीं अभी चुनाव होने बाकी हैं, कहीं कहीं चुनाव हो चुके हैं। तो आप जो है फेज वाइज यहाँ पे निकाल सकते हैं डाटा को और देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्य का कितना अभी काउंटिंग बाकी है, कितना चल रहा है, कितना अभी उनको वोट मिल चुके हैं, मुखिया का, जिला परिषद का, समिति के सदस्य हो गए, सरपंच हो गए, सबका जो आप आसानी से जो है घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जो है आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है हारा या कौन सा कैंडिडेट जीता, किसको कितना वोट मिले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है dshelpingforever.com का, यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डायरेक्टली आपको नीचे आ जाना है इंपोर्टेंट लिंक्स फॉर अप्लाई वाले पे, ठीक है। यहां पर देखिए चेक पंचायत चुनाव रिजल्ट लाइव, यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां पे और भी बहुत सारे आपको लिंक मिल जाते हैं जहां भी इलेक्शन बाकी है उनके लिए इंपोर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट डाउनलोड करना, प्रत्याशियों का 2016 में कितना मिला था वोट, उसको से 21 में नामांकन सूची देखना, प्रतीक अपना चुन निकालना। तो ये आप देख सकते हैं जो अदर जगह से देख रहे हैं जिनका भी वोटिंग बाकी है वो लोग। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से जो है आपको ऑप्शन आएगा मतदान चरण चुने, तो जो भी अभी चरण कंप्लीट हुए हैं उनका यहां पर जो है आएगा। अभी फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा तो फोर्थ का भी यहां पे जुड़ जाएगा, फिफ्थ कंप्लीट होगा तो फिफ्थ भी जुड़ेगा, तभी थ्री तक यहां पे जो है चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं। आज के डेट में आ जाएंगे सबका थ्री वाला, तो थ्री वाला चूज करते हैं हमें। और यहां पे देखिए आपको सबसे पहले यहां पे देखिए आ गया कि ग्राम पंचायत के सदस्य टोटल कितने हैं, कितना काउंटिंग हुआ है, कितना का रिजल्ट आ गया, कितना निर्विरोध है। उसके से ग्राम कचहरी मुखिया में देखिए इतना टोटल है, मतलब फेज थ्री में, और यहां पे देखिए बताया गया कि काउंटिंग 97 का हो चुका है, रिजल्ट 41 का आ चुका है, दो जो है निर्विरोध है। तो देखिए यहां पे इस तरह से आप क्या करेंगे जो है देख लेंगे सबसे पहले। अब आपको जानना है कि आपके पंचायत में कितने का वोट क्या मिला है, तो आप अपना जिला यहां पे चूज करेंगे। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, अपना जिला का नाम जो है चूज करेंगे। जिला चूज करते ही यहां पे देखिए उस जिले में जितना भी अभी बाकी है वो यहां पे दिखा रहा है और किसका कितना रिजल्ट आ चुका है ये भी यहां पे दिखा रहा है। देख रहे हैं आप, ये दो का काउंटिंग यहां पे जिला सदस्य में चल रहा है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, निर्विरोध भी नहीं है, दो को टोटल काउंटिंग है गोपालगंज में। और यहां पे ग्राम कचहरी के सरपंच का 17 को है, उसके से पंचायत समिति के सदस्य के 24 है, ग्राम कचहरी पंच के 238 है जिसमें तीन का काउंटिंग अभी चल रहा है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, निर्विरोध जो है 94 लोग ऐसे जीत गए हैं। उसी तरह से आप ग्राम पंचायत के सदस्य के देख सकते हैं टोटल इतना है, काउंटिंग 8 का चल रहा है और निर्विरोध। तो आप जो बार बार यहां पे आ सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, जब भी आपको देखना होगा तो रिफ्रेश करेंगे तो डाटा यहां पे चेंज होगा। अब मान लीजिए आपको मुखिया का देखना है सपोज, तो आप मुखिया वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको अपना जो है फेज थ्री चूज करना है। यहां पे आपको देखिए ऑटोमेटिक ग्राम मुखिया आएगा और जिला यहां पे आपको चूज करना है, उसके बाद अपना प्रखंड चूज करना है। प्रखंड चूज करने के बाद यहां पे आपको जो है पंचायत चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, कौन से पंचायत का देखना चाह रहे हैं, फिर शो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे दे देगा, क्योंकि अभी बोल रहा है प्रतीक्षा करें, अभी रिजल्ट जो है यहां पे नहीं अनाउंस हुआ है। वही अगर आप यहां पे सदस्य का देखते हैं सपोज जिला परिषद सदस्य का, और यहां पे देखते हैं 6 और 7 में, तो यहां पे आपको शो होगा कि नहीं वो देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है, तो ये धीरे धीरे रिजल्ट जो यहां पे आ जाएगा। यही जो है ओरिजिनल तरीका है आपको चेक करने का। अब हम यहाँ पे एक और देखते हैं पंच का, यहाँ पे जिला और भोरे यहाँ पे सब चीज चूज है, यहाँ पे मैं जो एक देख लेता हूँ कि किसका यहाँ पे अभी रिजल्ट आया है। अभी यहाँ पे किसी भी का रिजल्ट अभी नहीं शो हो रहा है, आपको जो थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि अभी यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है रिजल्ट काउंटिंग चेक कर सकते हैं कि किसको कितना वोट मिला है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फेज टू के लिए यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो फेज टू को मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है और यहाँ पे मैं मुखिया को चूज करता हूँ, फिर यहाँ पे जिला को मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, तो ऑटोमेटिक उस जिला में जहां भी फेज टू में मतलब हुए हैं इलेक्शन वहां पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है चूज करना है, फिर शो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाता है कि कौन विजेता हुआ है और किस कितने कैंडिडेट्स थे, प्रत्याशी कितने थे और किसको कितना मतलब वोट मिला है, और जिसका भी यहाँ पे विजयी हुआ है उनका यहाँ पे जो है ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आ रही, इस तरह से आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फेज थ्री का भी जो है रिजल्ट आना बाकी है, इसलिए यहां पे जो फेज थ्री का अभी शो नहीं हो रहा है, तो आप इसी तरह से क्या करेंगे चेक करेंगे फेज थ्री का जो भी रिजल्ट यहां पे आपको देखना है। तो मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि कैसे आपको चेक करना है। आप यहां पे बार बार जो है रिफ्रेश रीलोड कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि अभी जो है आया कि नहीं आया, क्या यहां पे रिजल्ट बना हुआ है।
तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जो है जाके चेक कर सकते हैं, लाइव यहाँ पे काउंटिंग रिजल्ट आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत का जो है चुनाव का रिजल्ट कैसे आपको चेक करनी है, ट्रैक करनी है लाइव में। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा, चैनल पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।